इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। गुलाब सिंह जी और रविंदर रवि जी, ये इनको दोनों ही विधायकों ने हराया, होशियार सिंह और प्रकाश राणा ने, क्या इनको ये अवार्ड मिला है या फिर कि उनको हराया? ऐसा नहीं है, ऐसा तो कई बार होता है। कई कांग्रेस पार्टी के भी नेता एमपी सांसद एमएलए भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, तो ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ, ऐसा अनेक बार होता है। और बड़े बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रदेशों के मंत्री, विधायक जो हमारे नेताओं के, हमारे प्रत्याशियों के मुकाबले जीते होते हैं, वो आते हैं। हमने पार्टी को बढ़ाना है। सर, जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व ने ये बात क्लियर कर दी है कि चुनाव जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही होंगे, तो क्या इसे प्रदेश की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री के युग का अंत समझा जाए? यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ एकजुटता है और हमेशा हमारी पार्टी की नीति रही है जो मुख्यमंत्री होते हैं उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। आज आदरणीय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री हैं, पार्टी ने उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और उनके साथ पूरी पार्टी, सभी नेता एकजुट है। रणजीत जी, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हुए कांग्रेस सीधे तौर पर कह रही है कि उनकी सदस्यता खत्म करनी चाहिए, आप क्या कहते हैं? क्योंकि आपने शुरुआत इस बात से की थी कि गैर वाजिब और गैर तथ्यहीन बयानबाजी कांग्रेस कर रही है, आपका कहना यह है कि कांग्रेस ये जो सदस्यता रद्द करने की बात कह रही है वो गैर वाजिब कर रही है? नहीं, देखिए, उसका एक बयान दे के थोड़ी रद्द होगी, उसका एक प्रोसेस है, विधानसभा सचिवालय देखेगा, उसमें कोई कांग्रेस नेता बयान देंगे और सदस्यता रद्द हो जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। दल बदल कानून भैया, वो विधानसभा सचिवालय का काम है। धन्यवाद आप सभी के लिए, चाय बहनी की व्यवस्था है, कृपया सभी चाय बहनी ग्रहण करके जाएं। थैंक यू।